सब्सक्राइब कीजिए दादा भाई टेक चैनल पर, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रियलम की तरफ से रियलमी आज तीन चार प्रोडक्ट लॉन्च हुए, रियलमी नार्जो 30 प्रो, 5G और 4G वेरिएंट दोनों फोन लॉन्च हुआ, रियलमी बड Q2 देखने को मिला, रियलमी टीवी भी देखने को मिला जिस 32 इंच की, इसकी प्राइस देखने को मिली 17,000 के बीच में देखने को मिला, रियलमी Q2 कुछ 10,000 के बीच में देखने को मिला, रियलमी नार्जो 30 4G और 5G, रियलमी नार्जो 30 4G कुछ उसका बेस वेरियंट कुछ 11,500 के बीच में देखने को मिले, जो 5G वेरियंट वाले कुछ 16,000 के बीच में देखने, मतलब 17,000 के बीच में देखने को मिले, जिसमें प्लस 6 प्लस 128। बस रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G और रियलमी 8 प्रो 5G दोनों सेम, बस इसमें एक ही वेरियंट ला जो 6 प्लस 128 वाला वेरियंट ला दिया, बस यही बस डिफरेंट है। दूसरी टेक्नो जा रही है वीवो की तरफ से, वीवो V20e जो 5G वेरिएंट वाला फोन है वो भी आज इंडिया में लॉन्च हुआ, उसमें आपको मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 वाला प्रोसेसर देखने को मिला, 44 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिला है, 40 फ्रंट की तरफ 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला, बैक की तरफ 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला, इसके कुछ प्राइस देखने को मिले कुछ 24,990 के बीच में देखने को मिला है, जो फ्लिपकार्ट में सेलिंग स्टार्ट। इधर जियो की तरफ से जियो का जो AGM इवेंट था, जो 44 इवेंट था जियो की तरफ से, उन्होंने कुछ ऑफिशियली न्यूज़ किया है मुकेश अंबानी, जिसमें आपको जियो फोन 5G फोन के बारे में कुछ अभी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आया, और जो बुक की तरफ से कुछ ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, जियो फोन मतलब नेक्स्ट जनरेशन का फोन देखने को मिलता है, जो फ्यूचर मतलब एंड्रॉइड फोन रहेगा जिसमें आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है कि 10 सितंबर को आपको इसका अनवील हो जाएगा, और साथ ही एक और न्यूज आई कि जो 5G फोन रहेगा मतलब जो 5G नेटवर्क है सबसे पहले इंडिया में आपको जियो की तरफ से देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज आ रही है। और एक और न्यूज और सुनिए, जियो का जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, क्लाउड बेस्ड सर्विस जियो अजूर, ये पहले इसका सेटअप नागपुर और जामनगर में देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ ऑफिशियल न्यूज आ रही है, और बहुत सारी इसके मतलब इसके में कुछ अलग अलग फीचर देखने को मिलेंगे, जो 5G नेटवर्क है पहले हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूज किया जाए। मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डोमेस्टिक एक और नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 2000 प्रोसेसर जिसमें आप फोन NM पे बेस रहेगा, वो आपको 2022 में देखने को मिलेंगे, फ्लैगशिप लेवल का फोन है, फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर जो मीडियाटेक तरफ से देखने को मिलेगा। टेक्नो की तरफ से टेक्नो का पैथॉन एक्स, इसका भी फर्स्ट प्रीमियम अवेलेबल होगा, इसमें आपको बैक की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल 8+ और 12 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा, फ्रंट की तरफ को दो कैमरा देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लास्ट में आपको 5G वेरिएंट वाला फोन नहीं 4G वेरिएंट वाला वही जो G95 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसका जो प्राइस रहेंगे कुछ 30,000 के बीच में देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ चाहिए पहले ग्लोबली लॉन्च में इसका रेंट में देखने को। नोकिया की तरफ से नोकिया के बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी आपको नोकिया C20, नोकिया G10, नोकिया G20, नोकिया X10, नोकिया X20 दो फोन नोकिया S10 और S20 5G वेरिएंट वाले फोन है, बाकी एक फोन गोडी चैनल फोन है, दो फीचर फोन है, मतलब दो फोन और है जो 4G वेरिएंट वाले फोन है, बहुत जल्दी आपको इंडिया में देखने के लिए लिस्ट हो चुका है। थैंक यू सब्सक्राइब।